तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया कोर्स जो कि है एडवांस एक्सेल। जी हाँ, एडवांस एक्सेल की हमारी एक कोर्स है। इस कोर्स में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बेसिक टू एडवांस चीजें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि हमने शुरुआती में आपको कुछ वीडियो दिए थे देखने के लिए, एक वीडियो है हमारा प्रिपरेशन फॉर लर्निंग, आपने उसको देखा। और आप उसमें कुछ चीजें, नई चीजें सीखे भी होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं सेशन आज की। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम बेसिक से लेके चलेंगे, तो चलिए कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपको जो जिस एप्लीकेशन में सिखाएंगे वह है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365। जी हाँ, लेटेस्ट वर्जन है 365। आपके पास अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या है सीखिए तो लेटेस्ट सीखिए, क्योंकि लेटेस्ट में जो होता है वो ओल्डर वर्जन के सारे फीचर्स होते हैं ना, और लेटेस्ट के न्यू फीचर्स भी होते हैं, तो दोनों आप सीख लेंगे। तो हम मेनू बार के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे कि फाइल मेनू बार, होम, इस सबके अकॉर्डिंग चलेंगे। उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं, थ्योरी कि आखिर एक्सेल का यूज होता क्यों है। अगर किसी से पूछा गया कि आप एक्सेल का इस्तेमाल करते कहाँ हैं, कहाँ करते हैं इसका इस्तेमाल, चलिए जान लेते हैं कि इसका यूज होता कहाँ। तो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्सेल की यूज हम चार तरीके से करते हैं, चार या पांच तरीके से। पहला, डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज मतलब कि इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बट ध्यान रखिएगा, ये कोई डेटाबेस नहीं है, राइट? डेटाबेस नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस की बहुत सारे फंडामेंटल रूल को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि इसकी प्रोटेक्शन, इसकी पासवर्ड इजिली तोड़ी जा सकती है। दूसरा, फाइल करप्ट हो जाना, ज्यादा हैवी फाइल होगा तो करप्ट होने के चांसेस होते हैं। एक या दो लाख का डेटा डालने के बाद ये हैंग करने लगता है, तो बहुत सारे चीजों पे ए फिट नहीं बैठता है। सो डेटा स्टोरेज में हम इसको डेटा बेस नहीं कर सकते। हेलो आशीष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपने म्यूट कर रखा, अनम्यूट करेंगे तो सुन पाऊंगा मैं। तो डेटा स्टोरेज जो है एक तरह का हम यूज करते हैं मिसलेनियस डेटा को स्टोर करने के लिए, एनालिटिक्स डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप अकाउंटेंट है और अकाउंट में आप टैली इस्तेमाल करते हैं। अब टैली जब यूज करते हैं तो आपको 3D एक्सेल की जरूरत पड़ती है। क्यों? मान लीजिए कि आपके पास पेटी कैश का एक सिस्टम होता है, ऑफिस के छोटे मोटे खर्चों के लिए एक पैसा अलॉट किया जाता है, उसको पेटी कैश कहते हैं। अब उसकी एंट्री आप टैली में तो नहीं करेंगे, आप 2 रुपए की फोटो स्टिक कराएंगे तो उसके अकाउंट लेजर तो नहीं टैली में खोलेंगे, तो सारे लेकिन हिसाब तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको अगर 5,000-10,000 रुपए मिला है ऑफिस खर्च के लिए, तो आपने कहां खर्च किया है उसका रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड हम एक्सेल में रख लेते हैं, पेटी कैश का एक अकाउंट इसमें खोल देते हैं। उसी तरह से जब रिपोर्ट बनती है तो हम अपने सॉफ्टवेयर से डेटा को डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद फिर उसको एक्सेल में फोल्ड करते हैं, और फिर उससे हम अपनी रिपोर्ट बना देते हैं। देखिए, एक डेटा हमने सिस्टम से डाउनलोड करके रख लिया, अब इसके ऊपर अपना समरी वगैरह, रिपोर्ट वगैरह हम तैयार करेंगे। अभी जो रिपोर्ट तैयार होगी इसके बैकएंड में एक डेटा होना चाहिए ना, ऐसे डेटा एक्सेल से होल्ड होती है। तो आपको समझ में आ गया एक्सेल पे डेटा क्या, कहां कौन सा डेटा आता है? मिसलेनियस एंड एनालिटिक्स डेटा, जिसपे जिस डेटा पे हमें एनालाइज करना है, हमें रिपोर्ट बनानी है। लेकिन अगर आप ऐसे ही की बात करें, शॉर्ट मिनिमम मिनियम इंटरप्राइज, जैसे मेरे जैसे लोग जो पूरा काम एक्सेल के जरिए मेंटेन करते हैं, तो उसको एक्सेल को एज ए डेटा बेस भी यूज कर लेते हैं। इसके बाद स्मॉल डेटा साइज होता है, जैसे मेरे महीने के मान लीजिए कि 100 या 150 का स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, तो ऐसे रिकॉर्ड के लिए मैं जो है बड़े डेटाबेस यूज नहीं करता हूँ,
बड़े डेटाबेस यूज करने का मतलब है कि उसको परचेज करना पड़ेगा, उसमें कॉस्ट लगेगी, फिर एक बंदा रखना पड़ेगा जो उसको जानता हो, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है एसमी के पास, तो वो एक्सेल का डेटाबेस भी यूज कर लेते हैं। बट डेटाबेस की बहुत सारे नियम को पालन नहीं करता है, जैसे कि सिक्योरिटी नहीं है, डेटा लॉस होने के चांसेस है, डेटा रिकवर नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे फीचर्स है। दूसरा यूज हम करते हैं कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन। एक्सेल का दूसरा यूज होता है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन मतलब कि इसमें देखिए, एक कैलकुलेशन भी बहुत अच्छा है, आप एसक्यूएल यूज करें, आप ऑरेकल यूज करें, एक्सेस यूज करें, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है उसको अगर यूज करते हैं आप। हेलो आशीष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करेंगे तो मैं सुन पाऊंगा आपको। तो इतने बहुत सारे जो डेटाबेसेस है वो क्या है, वो फील्ड टू फील्ड कैलकुलेट करते हैं, बट एक्सेल में हम एक सेल के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 60 और मान लीजिए 65 है, इन दोनों को हम आपस में प्लस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हर एक सेल का एड्रेस होता है। जैसे कि इसकी बात करें तो इसका एक एड्रेस है, वो है E6, मतलब E नंबर कॉलम और 6 नंबर रो, जो कि बाकी डेटाबेस में नहीं होता। तो इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन या आपकी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले, अराउंड 500 फॉर्मूला है इसमें। तो कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे आपको सैलरी कैलकुलेट करना है, आपको इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, आपका बिल कैलकुलेट करना है, आपको कमीशन कैलकुलेट करना है, किसी भी तरह की कैलकुलेशन के लिए एक्सेल परफेक्ट है। उसके बाद हम इसका हम कह सकते हैं, इसमें तीसरा यूज है डेटा एनालिसिस, या हम डेटा या फिर ये कह सकते हैं रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन। अब बोलेंगे सर कि डेटा एनालिसिस में मतलब कि जैसे कि आपको कोई डेटा मिला, उससे एनालिसिस करके कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली निकाला जा सकता है। जैसे एग्जांपल ये आपके सामने है, अब मुझे पता करना है कि भाई किस रीजन में कितनी क्वांटिटी सेल हुई। अब इसके लिए मुझे मुश्किल से 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा इसको एनालाइज करने में। मैं पिवट टेबल पे जाऊंगा, ओके करूंगा, और सिंपल सा हम रीजन को रखेंगे इसमें और क्वांटिटी को रखेंगे, क्वांटिटी को रखेंगे इसमें, और हमारे पास बन गया। इसको थोड़ा सा ये भी रिपोर्ट बनाना है तो थोड़ा सा हमें फॉर्मेट करके और इस पे चार्ट यूज कर दिया। 1 मिनट से भी कम टाइम लगा मुझे इस डेटा को समरी निकालना। ये चीजें बाकी सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो डेटा एनालिसिस के लिए ये आपका एक्सेल परफेक्ट है। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि तो मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन भी होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रिप्रेजेंटेशन को हम जनरली इसमें करते हैं, पीपीटी में करते हैं। अंकित जी, मेरी आवाज आपको ब्रेक तो नहीं हो रही ना? आवाज तो अच्छा है ना? नहीं सर, कंप्लीट है, एकदम ओके आशीष कंप्लीट। जी, आपके यहाँ से प्रॉब्लम है, आपका इंटरनेट स्लो है शायद। तो ये चीजें हम करते हैं एक्सेल के, तो रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं। तो कभी क्या होता है कि जो आपके रिपोर्ट होते हैं, अगर मैं चलिए मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अब इसी रिपोर्ट के बारे में देख लीजिए। अब मान लीजिए ये रिपोर्ट
अभी रिपोर्ट की हम बात करें तो ये रिपोर्ट को अगर हम पीपीटी के जरिए बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए कि मंथली रिपोर्ट है ना, डेट वाइज रिपोर्ट, मुझे अगर 16 का मुझे 17 का चाहिए तो जस्ट मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये आपका रिपोर्ट में वीकली रिपोर्ट है तो वीक वीक चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है आपको क्लिक करते हैं पूरा रिपोर्ट चेंज हो जा रहा है ना सर। अब ये चीजें अगर मैं पीपीटी पे करूं तो क्या होगा, मुझे हर किसी के लिए अलग अलग रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, हर डे हर वीक के लिए हमें अलग अलग रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फैसिलिटी वहां नहीं होगा ना सर कि मैं बर्थडे क्लिक किया और मेरा नेक्स्ट वीक का रिपोर्ट आ गया, ठीक है। तो जब हम रिपोर्ट जब इस रिपोर्ट को 10-20 लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए तो हमें एक्सेल सही रहेगा एक्सप्लेन करने, क्योंकि वहां पे हम हर एंगल से चेंज कर सकते हैं फिर रिपोर्ट को और दिखा सकते हैं कंपेयरिंग में इजिली। जैसे मान लीजिए कि 21 जुलाई का जो वीक है उस वीक को 14,000 का सेल था और उससे पिछले वीक में फर्स्ट क्लिक करते पता चल जाएगा 28,000 का सेल, तो हम कंपेयरिंग होंगे। बट पीपीटी में हमें अलग स्लाइड पे जाना पड़ेगा या फिर अलग फाइल पे जाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एक्सेल को पावरफुल बनाता है वो है डेटा शेयरिंग, मतलब कि अब जैसे रिपोर्ट हमने बनाया, ये रिपोर्ट मैं आपको आंख बंद करके भेज सकता हूं। ऐसे रिपोर्ट बनाने में पावर बीआई टैबलेट सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं, बट क्या होता है कि इनकी रिपोर्ट शेयर करने में दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट वही देख पाएगा जिसके पास पावर बीआई या टैबलू का सॉफ्टवेयर हो, अगर नहीं है तो रिपोर्ट पहले उसको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा तब रिपोर्ट देख पाएगा वो। बट एक्सेल में क्या है कि हमें पता है कि एक्सेल एप्लीकेशन हर किसी के पास होगा, अगर एक्सेल नहीं है तो ओपन आरजी होगा, सिम्बनी होगा, बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव है वो होंगे, उसको भी देख सकता है। अगर उसके पास वो भी नहीं है तो वो अपने मेल के गूगल शीट पे देख सकता है, जैसे मान लीजिए रिपोर्ट को देखना है, जैसे इस पे क्लिक करूंगा मुझे गूगल शीट पे ही रिपोर्ट मिल जाए, ठीक है। तो अगर हम किसी को डेटा भेजते हैं तो हमें 100% श्योर होता है कि हाँ वो इस रिपोर्ट को इस डेटा को देख पाएगा, उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि भैया आप जो है ये कर लीजिए। एक्सेल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, ऐप लाना कर लीजिए, एक बताने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि हाँ ये रिपोर्ट इस तरह से हम देख लें। तो एक्सेल का यूज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हम एक्सेल का यूज डेटा स्टोरेज, कैलकुलेशन, डेटा एनालिटिक्स, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड डेटा शेयरिंग के लिए करते हैं, ओके। तो ऑफिस में चाहे किसी भी ऑफिस में जाए इसका यूज हो सकता है, और अभी आज के डेट की बात करें तो एक डिजिटल रजिस्टर की तरह हो गया है। जैसे पहले के जमाने में जब हमारे मुंशी जी थे बड़े बड़े मोटे मोटे और लेजेंड बुक लेके रखते थे ना, अब ऑफिस में किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे आपको एक्सेल तो नहीं जरूरत होगा, चाहे किसी भी प्रोफाइल में है आपको एक्सेल थोड़ा या ज्यादा यूज तो होगा ही होगा, क्योंकि जो रजिस्टर का काम है, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर को हटा दें और आज से 100 साल पहले चले जाए, 100 साल बहुत ज्यादा हो गया, 50 साल ही पहले, 25 साल ही पहले चले जाइए ना, 25 साल पहले चले जाइए तो हम मोस्टली काम किससे होता था, रजिस्टर होता था, हर डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉय के पास एक रजिस्टर होता था जहां पर सारा चीज मेंटेन करता था, बस रजिस्टर को हटा के और एक्सेल ले लिया गया, उसके बाद एक्सेल होगा ही होगा, डिपेंड करता है प्रोफाइल के ऊपर कि काम थोड़ा होगा या ज्यादा होगा। अब रिटर्न टू ये तो हो गई हिस्टोरिकल पार्ट, अब एक्सेल पे आते हैं। तो जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा आपको फाइल मेनू बार, बट उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें जान लीजिए, इसको बोलते हैं एक्सेल आर्किटेक्चर। जैसे कि आपके सामने एक एक्सेल वर्कबुक है, इस एक्सेल वर्कबुक में नंबर ऑफ शीट्स होते हैं, हर शीट की ऐड कर सकते हैं आप, हर शीट के अंदर रो एंड कॉलम होते हैं, जहां पे रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वहां हम
सेल कहते हैं, और जो एंट्री होती है, जो डेटा स्टोर होता है, इसी सेल के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ अगर 365 लिखना है तो मैं किसी सेल के ऊपर 365 लिखूंगा, तो 365 किसकी वैल्यू हो गई, B3 की वैल्यू, B3 की वैल्यू। ओके, तो हर सेल का एक एड्रेस होता है, तो एड्रेस क्यों बनाया गया इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। तो इसके लिए मान लीजिए कि एक कॉलम में हमने यहां बहुत सारे नंबर दे देते हैं, अब मुझे इस नंबर पे मान लीजिए +20 करना है, तो इक्वल कोई भी कैलकुलेशन या फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल यूज करना होता है सबसे पहले। अगर इक्वल यूज ना करते हैं तो सिस्टम समझ लेगा कि वैल्यू टाइप हो रही है, जैसे इक्वल तो समझ जाएगा कैलकुलेशन होने वाला है, मतलब कि कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसको सिलेक्ट किया प्लस, हमने 20 दिया और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब नीचे की तरफ यहाँ इसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, या फिर आप इसको कॉपी कीजिए, नीचे की तरफ पेस्ट कर दीजिए। इससे फायदा क्या हुआ कि हमने फॉर्मूला लगाया A2 + 20, मतलब कि 85 + 20, यहाँ पे क्या लिया A2 मतलब कि A2 की वैल्यू प्लस 20। A2 क्या है, A कॉलन एंड 2 नंबर रो। जब नीचे इसको हमने ड्रैग किया तो A हो गया हमारा A3, A4। मतलब क्या होता है कि जब भी आप फॉर्मूला लगाते हैं और रेंज को सिलेक्ट करते हैं, किसी एरिया को सिलेक्ट करते हैं, उसका एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे A2 आ गया, मैंने क्या किया था, जस्ट इस पे क्लिक किया, A2 आ गया, प्लस 20 कर दिया, तो यहाँ पे आपका 20 कैलकुलेट हो गया। जब नीचे ड्रैग कीजिएगा तो क्या होगा, वो एड्रेस इंक्रीज होता है, A2 हो गया A3, A5, A4 हो गया ना सर। अब यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि अगर फीचर ना होता तो आपको इंडिविजुअली 1 by 1 20 करना पड़ता इस तरह से, तो इसमें काफी, अगर मान लीजिए डेटा 10,000 या 1,00,000 होगा तो पूरा दिन लग जाएगा सर प्लस करने में। क्या अंकित जी, पूरा दिन मतलब बंद ही हो जाएगी कंपनी तो फिर। तो ये फीचर अच्छा है, हमने ड्रैग किया और विदिन सेकेंड में चाहे वो 10,000 हो या 10,00,000 हो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो, अच्छी फीचर है। लेकिन सही की बात है, जब भी कोई फीचर अच्छी होती है तो खराब भी होती है। कैसे, अब मान लीजिए मुझे D1 पे 20 लिखा हुआ, अब मैंने मुझे क्या करना है 85 के ऊपर, मतलब कि A2 पे प्लस D1 की वैल्यू करना है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो एड्रेस इंक्रीज होगा, तो अगर A2 A1 A2 होगा, A2 A3 होगा, अगर D1 पे D2 होगा, अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे 26 है हमारा। तो मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो तरीका है कि मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूं और फिर इसको करूं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तो हमारे पास एक होता है कि हमारा जो रेफरेंस, जो एड्रेसिंग सिस्टम है, इसलिए बनाया गया है, इसको हम फ्रीज कर सकते हैं। हम चाह सकते हैं कि भाई ये इंक्रीज ना हो, बस उसके लिए डॉलर का साइन लगाना है। याद रखिएगा हर एड्रेस में एक कॉलन होता है और एक रो होता है। पहले आपने डिसाइड करना है कि आपको इंक्रीज होने से किसको रोकना है, कॉलन को या रो को या दोनों को। यहाँ पे मुझे रो को रोकना है, तो मैं रो के नंबर के आगे जो नंबर है उसके आगे मैंने डॉलर का साइन इंसर्ट कर दिया। जब डॉलर साइन इंसर्ट कर दिया तब मैं इसको नीचे के तरफ जब ड्रैग करेंगे तो यह हमारा D1 फिक्स हो, D1 लेकिन हमने सिर्फ 1 को फिक्स किया, मतलब कि 2 को फिक्स किया। अब जरूरी नहीं है कि आप अपने फॉर्मूला को टॉप टू बॉटम ही ड्रैग करें, आप लेफ्ट टू राइट भी ड्रैग कर सकते हैं। उस केस में आपका यहां देखिए D1 E1 हो गया। मैं तुम्हें बताया आपको
एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, रो एंड कॉलम। अगर आप रो को फीच करना चाहते हैं उसके आगे दौरा लगाए, कॉलम को फीच करना चाहते हैं आप उसके आगे दौरा लगाए, दोनों को फीच करना चाहते हैं तो दोनों का आगे दौरा लगा। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब मैं ऊपर नीचे कहीं भी करूं मेरा जी वन फिक्स होगा। समझ गए? इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब आपको फॉर्मूला शुरू करूंगा। बस इतना समझा रहा हूं कि हर सेल का एक एड्रेस होता है। अब जैसे मैंने यहां पे कर दिया ए वन, तो मतलब कि इस सीट का ए वन, एक्टिव सीट का ए वन, लेकिन मुझे किसी और सीट का डेटा सीट का ए वन चाहिए तो यहां राइट क्लिक कीजिए। अब यहां पे देखिए एड्रेस ऑटोमेटिक बन जाता है, लेकिन कभी कभी देना भी पड़ जाता है। तो ये आपका आ गया सीट नेम और यहाँ पे ए वन। सीट नेम और ए वन के बीच में आपका एक क्वेश्चन मार्क जो है, ये आपका सेपरेटर दिख रहा है। जूम करूं मैं? हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, डेटा और यहाँ पे ए वन, इनके बीच में सेपरेटर हमारे सामने। उसी तरह से किसी और फाइल है आपका, जैसे मान लीजिए मैं बुक बुक वन खोल देता हूँ, ये एक बुक, एक नया बुक खोल दिया। अब मुझे बुक फोर में का यहाँ ई एट का, बुक फोर का ई एट का करना है। कैसे करें? तो यहां पे इक्वल और यहां आप जाएंगे इसको सिलेक्ट करें। आगे आ जाओ, यहां देखिए ये आपका बुक फोर सीट वन। अब बुक जो फाइल नेम है वो आपका इसमें है कोटेशन मार्क में। ये फाइल ओपन है, इसलिए जैसे फाइल क्लोज होगा इसके जगह पे इसका पूरा कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा, किस ड्राइव पे किस फोल्डर में सेव है। राइट, तो एड्रेसिंग सिस्टम में होता है कि आपने अगर जहां अप्लाई कर दिया आपने सिर्फ रो एंड कॉलम दे दिया तो वो एक्टिव सीट का होगा, जो सीट पे आप काम कर रहे हैं। किसी अनदर सीट से चाहिए तो उस अनदर सीट का नेम के साथ आएगा, बट जो फाइल जिस फाइल में काम कर रहे उसी फाइल का लेगा। किसी अनदर फाइल का लेना है तो फाइल नेम, सीट नेम और ये आपका एरिया होता है। अब ये फाइल नेम आपका ऑटोमेटिक जो है कोटेशन मार्क इसमें डबल स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाता है, लेकिन अगर फाइल क्लोज हो जाएगी तो ये आपका पूरा एड्रेस के साथ आएगा। चलिए, ये फाइल का एड्रेसिंग सिस्टम था। अब बात करते हैं हेल्प की। जैसे मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चीजें भूल जाया। जैसे मान लीजिए मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ाया आपको, आपको अच्छे से पढ़ा, दो तीन चार महीने आप यूज इसको नहीं किया, आप भूल गए, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा तो सारा मेमोरी रिकवर हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि उसके ऊपर कर्सर रखेंगे। आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रहा है, इसके बारे में यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं। इससे भी समझ में नहीं आता है तो टेल मी मोड पे क्लिक करो, ये एक्सेल का हेल्प खोल दे। अब आप बोलेंगे कि सर जनरली तो हम गूगल में जाके सर्च करते हैं, राइट? जनरली गूगल में जाके सर्च करते हैं। आशीष जी आपकी माइक से वर्क नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं। अब यहां पे जैसे गूगल पे जाकर सर्च करते हैं तो गूगल पे जो इंफॉर्मेशन आती है वो 100% प्रूफ रीड नहीं होती, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हम जैसे आप जैसे लोग अपने वीडियो में, अपने आर्टिकल में, अपने वेबसाइट पे डालते हैं तो कोई प्रूफ रीड नहीं होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होता है या फिर इनकरेक्ट होता है। लेकिन यहाँ एक्सेल हेल्प जो चीज आपको मिलेगी वो 100% प्रूफ रीड है, मतलब कुछ सही है, करेक्ट। तो जब भी कुछ चीज के बारे में सर्च करना होगा तो आप गूगल हेल्प में खोलेंगे। हेल्प कैसे आएगा? F1 प्रेस कीजिए, ये हेल्प आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे हर फीचर्स की लिमिटेशन पता करना है कि मैं कितने सीट ऐड कर सकता हूँ, कितने रो है, कितने कॉलम है, तो यहाँ आप लिमिट में लिमिट सर्च कर लिमिट्स यहाँ पे आ गया एक्सेसिफिकेशन एंड लिमिट, इस पे क्लिक कर सारे आपके लिमिट्स आपको दिख जाएगा। ओपन वर्क बुक, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ
ट्रैक्टर इन द शेड टोटल कीप्स इन विदित वर्क बुक. अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड बाय अवेलेबल मोमेंट. नहीं आशीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. लिमिटेड अवेलेबल मेमोरी. अब क्या होता है कि एक्सेल में कोई अनलिमिटेड नहीं होता है, या एक्सेल के कंप्यूटर में भी. मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 25 लिखा, तो ये आपके सिस्टम की मेमोरी रैम हार्ड डिस्क में थोड़ा या ज्यादा, थोड़ा सा ही एक स्पेस कंज्यूम जरूर करता है. और हमारे पास कोई ऐसी हार्ड डिस्क या कोई ऐसी रैम नहीं जो अनलिमिटेड है. कभी ना कभी तो फुल होगी ना. भले ही एक फुटबॉल के मैदान में सुई रखने की बात हुई, लेकिन हम सुई रखते जाएंगे कभी ना कभी तो वो मैदान भर जाएगा. लेकिन तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड, डिपेंड योर सिस्टम कैपेसिटी. ठीक है, लिमिट इज नॉट डिफाइंड, डिपेंड योर सिस्टम कैपेसिटी. एक बार सारे लिमिटेशन को आप पढ़ लीजिएगा. कैसे लाएंगे, S1 प्रेस करेंगे, हेल्प आएगा, हेल्प पे सर्च करेंगे लिमिट्स, और आप लिमिट्स वाले सेक्शन में क्लिक कर दीजिएगा. इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए. दूसरा, मैं पहले दिन बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं शॉर्टकट क्या है, फलाने पीछे का शॉर्टकट क्या है. तो शॉर्टकट मतलब कि किसी भी ऑप्शन को डायरेक्टली कीबोर्ड से आप यूज कर सके. जैसे कि कॉपी के लिए देखिए, हमने क्लिक किया और कॉपी हो गया, लेकिन इसका कंट्रोल सी शॉर्टकट है. तो शॉर्ट में पता करने का दो तरीका है. पहला, जब उससे कर्सर रखेंगे तो आपको वहां शॉर्टकट दिख जाएगा. लेकिन मुझे एक लिस्ट चाहिए जिसको मैं देख सकूं, रट्टा मार सकूं. तो सर्च में आप शॉर्टकट यहां पर शॉर्टकट सकते हैं. कीबोर्ड शॉर्टकट यहां दिख जाएगा, कीबोर्ड शॉर्टकट इन द ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट एक्सेल, इस पे क्लिक कीजिए. क्लिक किया आपने, ये आपके सारे शॉर्टकट का लिस्ट है. अब इसको आप बोलेंगे कि मैं इसको अगर संस्कृत की श्लोक की तरह और हिंदी कवि रट जाऊं तो नहीं, इसको यूज करना पड़ेगा. और सब इमेजिन कीजिए कि किसी इंटरव्यू में आप जाते हैं और पूरा काम आप अपने शॉर्टकट से करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं, इस तरह से कीबोर्ड से आवाज आ रही है, तो सामने वाला पर्सन इंप्रेस होगा, जान जाएगा ही हैज द एक्सपीरियंस. क्यों? क्योंकि शॉर्टकट रट्टा मारने से कमांड नहीं होता है, आपको यूज करना, प्रैक्टिस जाता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. कैसे? तो आप दिन में 1 या 2 घंटे का टाइम ऐसा रखें जिसमें आप माउस को बिल्कुल हाथ में लगाए, मतलब माउस का बहिष्कार कर दे आप. जो आजकल हमारे मोदी जी के किसान बिल पे हो रहा है, कुछ किसान सुधार बिल जो आया है, फार्मर उसका विरोध हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है. हाँ जी सर, उसी तरह से बहिष्कार कर दीजिए और पूरा काम की होता है. लेकिन अगर आप ऑफिस में यूज कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे टाइम पे करें जिसमें आपको काम कम हो या डेडलाइन ना हो कि हाँ मुझे 2 घंटे में करके देना है. ऐसा इसलिए कि शुरुआत में आपको काफी स्लो होगा, क्योंकि एक एक कीबोर्ड आपको देखना पड़ेगा क्या होता है, सोचना पड़ेगा. लेकिन जब यूज टू हो जाएंगे तो आपको सोचना ना पड़ेगा. जैसे कि एंटर मारने के लिए आपका दिमाग सोचता नहीं है, उंगली ऑटोमेटिक एंटर पर चला जाता है और एंटर सेफ हो जाता है, क्योंकि आपने एंटर को इतना टाइम यूज किया हुआ है. वैसे अगर सारे कीबोर्ड यूज करेंगे, जैसे कंट्रोल सी करना है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कंट्रोल सी पे कर्सर रख देगा, आप कंट्रोल सी हो जाएगा, क्योंकि उसको यूज टू करें. तो धीरे धीरे आप 2 घंटे का टाइम आपका पूरा वर्किंग आवर हो जाएगा. और एक चीज माना गया है कि कीबोर्ड से अगर काम करते हैं तो माउस की अपेक्षा 30% का ज्यादा स्पीड होता है, वर्क स्पीड होता है. तो कोशिश कीजिए ट्राई करने का. ओके श्योर सर. तो आपको आज क्या करना है, आज आपको लिमिट को पढ़ना है. लिमिट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा. दूसरा, शॉर्टकट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा. कैसे लाना है समझ में आ गया? आपको ही बात कर आशीष जी, आपको ही बोल रहा हूं मैं. लिमिट को पढ़ना है, शॉर्टकट को पढ़ना है. लाने का तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस करें,
और यहाँ पे लिमिट के लिए लिमिट को सर्च करें, शॉर्टकट के लिए शॉर्टकट को सर्च करें। ध्यान रखिएगा अगर आपके ऑफिस 2007 से ऊपर का वर्जन है तो ये ऑनलाइन है, मतलब इसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस समय जब सर्च करें तो आपका इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए पीसी में। ओके सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। शुरुआत है आपकी तो थोड़ा सा स्लो पढ़िए, मुझे पढ़ने की तो आधा छुट्टी हुई होगी ना सर, कॉलेज छोड़े काफी टाइम हो चुका होगा। नहीं सर, पढ़ने की आदत तो अभी भी है सर, क्या करें। स्लो, लेकिन ये प्रैक्टिस की आदत छूट गई है, लैपटॉप की आदत अभी छूट गई है। तो स्लोली पढ़ते हैं, धीरे 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 स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे फाइल मेनू बारे में।